हेलो फ्रेंड्स, पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके बताइएगा। और आज बहुत दिन के बाद मैं मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं मार्केट नहीं गई। और सब्ज़ी भी आज घर में बहुत कम है, तो इसलिए सब्ज़ी की ज़रूरत है, तो सब्ज़ी लेने के लिए मैं मार्केट जा रही हूँ। तो चलिए आपको घुमाते हैं हमारे इधर का सब्ज़ी मार्केट, कि कैसा है सब्ज़ी मार्केट। तो चलिए चलते हैं। अभी शाम हो गई है, शाम के बज रहे हैं 4, और मेरी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। और क्लासेस ख़त्म होने के बाद में मैंने सोचा कि आज धूप भी है और मार्केट से सब्ज़ी वगैरह ले आती हूँ, तो आज थोड़ा सा ठीक लग रहा था। और बीपी भी मेरा नॉर्मल हो गया है, इसलिए मैंने ईसीजी वगैरह कराया। और यहाँ पर डॉक्टर भार्गव हैं, हार्ट के डॉक्टर, उनको भी दिखाया मैंने, तो थोड़ा सा आज रिलैक्स लग रहा है। तो चलिए चलते हैं मार्केट। और ये देखिए, गाड़ी की चाबी मैंने ले ली है, मास्क मैंने ले लिया है, और ये ले लिया है पर्स। तो चलिए आपको घुमाते हैं हमारे इधर का मार्केट, के हमारे इधर का मार्केट में सब्ज़ियाँ कैसे मिलती हैं, किस तरीके से मिलती हैं। और शाम के टाइम जो हमारे इधर मतलब गांव वाले जो लोग आते हैं, बहुत अच्छी सब्ज़ी लेके आते हैं। इतनी ताज़ी सब्ज़ियाँ रहती हैं कि बहुत ही ताज़ी, और रेट भी उनका बहुत कम होता है, और बहुत अच्छे रेट, बहुत कम रेट में, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी और पौष्टिक और ताज़ी सब्ज़ियाँ हम लोगों को दे के जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और घुमाती हूँ आपको मेरे इधर का मार्केट, और आज क्या क्या सब्ज़ी मैं ख़रीद के लाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, फ्रूट वगैरह और जो जो सामान ज़रूरी है वो। तो चलिए मिलते हैं वीडियो के आगे तक, और बने रहिएगा मेरे वीडियो में, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और अभी के लिए बस इतना ही, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में वीडियो के एंड तक। तो अभी के लिए बाय बाय। तो ये देखिए, हम लोग आ गए हैं मार्केट, और मेरे इधर का मार्केट कुछ इस तरीके से है, जो मेरे घर के पास में पड़ता है, छोटा सा मार्केट है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से दुकानें अलग अलग लोग लगाते हैं। ये सब्जी मंडी नहीं है, नॉर्मल बाज़ार है, जैसे बाज़ार लगता है। तो यहाँ पर शाम के टाइम में ताज़ी सब्ज़ियाँ आती हैं, तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और बड़े बड़े सुपर मार्केट से सब्ज़ियाँ, पैकिंग, पन्नी पैकिंग वाली सब्ज़ियाँ ख़रीदने से अच्छा है कि हम हमारे छोटे व्यापारियों से सब्ज़ी वगैरह ख़रीदें, जो रोज़ पानी करते हैं, तो हमारे साथ साथ हम उनकी भी हेल्प करेंगे और ताज़ी सब्जियां भी खाएंगे। तो इससे अच्छा है कि सुपरमार्केट वगैरह से हम लोग 10 की चीज़ 50 में 100 में ख़रीद के लाते हैं, और ये लोग तो हमें उससे भी कम रेट में सब्जियां देते हैं, फिर भी हम लोग इनसे मोल भाव करके अपने हिसाब से अपनी सब्जियां चूज़ कर लेते हैं। लेकिन वहां पर जाकर के ऐसा नहीं होता है, और चीज़ भी हमें उतनी अच्छी नहीं मिलती है जितनी अच्छी हमें चाहिए होती है। तो देखिए, ये मेरे पास में लगा हुआ था ठेला, और ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी रखे हुए है। इसी तरीके से सारे मार्केट में जो है सब्ज़ियाँ के जगह जगह पर दुकानें लगी हुई हैं, जैसी सब्जी आपको चाहिए, जिस रेट में जैसे, तो इसी तरीके की ताजी सब्जियां आपको मिल जाएंगी। तो चलिए घूमते हैं। ये देखिए, मैं सब्जियां ख़रीद करके ले करके आ गई, और मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या ख़रीदा और क्या क्या ख़रीद करके मैं ले करके आई हूँ। और बहुत रात हो गई, बहुत टाइम हो गया, इसलिए मैं आपको वहाँ पर अलग अलग, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना कि मतलब अलग अलग एक एक दुकान पर ले करके जाना आपको मुश्किल है, और कोई और हेल्प करने वाला हो तो वो कैमरा पकड़ ले और मैं सब्जियों की ख़रीदारी, फ्रूट वगैरह ख़रीद लूँ, बट ऐसा नहीं था, मैं अकेली थी, तो इसलिए मैंने जितना दिखा पाई उतना आप लोगों को दिखाया। और ये देखिए, मैंने ख़रीदा है ये सूरन और जिमीकंद, और इसमें मैंने फूलगोभी, टमाटर, और ये मैं 4 से 5 दिन की सब्जियां लेकर के आ जाती हूँ। ये लिए मैंने गाजर, और देखिए भाजी कितनी अच्छी है और बिल्कुल ताज़ी है, बिल्कुल मुरझाई हुई नहीं है, और गाजर भी देखिए कितनी अच्छी हैं। और ये मैंने मेथी की भाजी ख़रीद ली। इसके बाद में मैंने ख़रीदा है एप्पल, और ये देखिए एप्पल भी बहुत अच्छा है, और सर्दियों में तो एप्पल आता ही है अच्छा। और इसके बाद मैंने ख़रीदा है पपाया, और बस 3 से 4 दिन के लिए ये सब्जियां हैं। और बैंगन मैंने 2 तरीके के ख़रीदे हैं, ये वाले बैंगन का कलर कितना प्यारा है देखिए, और खाने में भी ये अच्छे लगते हैं। और ये वाला ग्रीन वाला बैंगन है, भुर्ता बनाने के लिए मैंने इनको लेकर के आई हूँ। इसके बाद में ये पिंड खजूर मैंने ख़रीदा है, और ये हैंको है। इसके बाद में इसमें मशरूम वगैरह रखा हुआ है, और क्या बोलते हैं, हरा मटर जो है छीला वाला,
मसाला भी मिल रहा है, वो भी मैंने खरीद के थोड़ा सा लाई हूँ मटर पनीर बनाने के लिए। तो बस यही थी मेरी ख़रीदारी आज की, और आज का वीडियो मेरे को अच्छा लगा। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और निर्मा के साथ में ये जो टब इधर रखा हुआ है वो फ्री आया है, मतलब ये ऑफ़र चलता ही है एंको के ऊपर के 5 kg का आप ख़रीदेंगे तो मिलेगा आपको। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए मैं आ गई हूँ मार्केट से घर और अंधेरा हो गया है। देखिए शाम को गई थी मैं 4 बजे और ये टाइम हो गया है। और सब्जियाँ देखिए मैं बहुत सारी लेकर के आई हूँ। ये देखिए ये निर्मा के साथ में आया है टब, फ्री आया है निर्मा के साथ में। तो ये देखिए ग्रीन वेजिटेबल्स में लेकर के आ गई, फ्रूट वगैरह जो भी मशरूम वगैरह था सब कुछ। और ये मेरा खाली बैग खाली कर दिया है मैंने, और सब्जी वगैरह इधर ही धुल करके हम रख देंगे। और मार्केट जाने में ना बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो मैं करती हूँ अपनी वीडियो का ये एंड यहीं पर। और आज का वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।